हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ जिसमें इंडिया की मोनोपोली है और अगर आप इसमें काम करोगे तो कम से कम 150 से 200% मार्जिन मिलेगा मिलेगा मतलब एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्ट करोगे मार्जिन मिलेगा, कंपटीशन नहीं होगा और डिमांड इसकी अनलिमिटेड है। वर्ल्ड मार्केट में ये डे बाय डे डिमांड क्रिएट कर रहा है। आज ही अगर ये वीडियो देख रहे हो, इसके बाद इस पर अगर काम करना है तो आज ही डिसीजन ले लेना, क्योंकि सीधी सी बात है, ज्यादा सोचोगे तो फिर वही बात है, कंपटीशन आएगा। तो ज्यादा सोचते नहीं है भाई, सिर्फ काम करते हैं। ये प्रोडक्ट है क्या? ये है मखाना। मखाना जिसे हम फॉक्स नट्स भी बोलते हैं, मखाना जिसे हम लोटस सीड्स भी बोलते हैं। सबसे बड़ी बात, इसका प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ बिहार कर रहा है। बिहार में इसको जीआई टैग मिल गया है। अब मजे की बात क्या है कि एक ही स्टेट में सारा प्रोडक्शन हो रहा है, जिसके कारण दूसरे स्टेट भी नहीं इसको प्रोड्यूस कर पा रहे और प्लस कंट्री तो भूल ही जाओ। और एक तरीके से बिहार की एक यूएसपी है भाई, अगर मैंने कोई मेहनत की, मैंने कोई प्रोडक्ट डेवलप किया तो मेरी यूएसपी हो गई ना। तो इस यूएसपी का एडवांटेज यह है कि वर्ल्ड मार्केट में इसमें कॉम्पिटिशन नहीं है। लोग इस फॉक्स नट्स को स्नैक्स के रूप में भी खाते हैं। ये एक बहुत हेल्दी स्नैक्स है और सबसे बड़ी बात, ये एक सुपर फूड है। अगर आप सपोज करिए, जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग एथलीट्स हैं, आप उनको भी देंगे, उनके लिए भी अच्छा है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक के लिए सबसे बेस्ट फूड है, क्योंकि ना इसमें तेल है ना इसमें शुगर है, तो एडवांटेज सबसे ज़्यादा। अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मखाने के बारे में एक एक डिटेलिंग बताने जा रहा हूँ। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर्ष तंवर, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर, आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं मखाने के एक्सपोर्ट के बारे में। एक इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं, हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की। जो लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन कराएं। ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग से बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि भैया देखो, बायर कैसे ढूंढना है सबसे बड़ा चैलेंज, बायर का डेटा कहां से मिलेगा, प्लस गवर्नमेंट क्या क्या इंसेंटिव देती है, मुझे लोन कैसे मिलेगा। और जो लोग कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करना चाहते हैं, हमारी स्पेशल यूएसपी प्रोडक्ट सिलेक्शन की है। हम आपको गाइड करेंगे कम प्रोडक्ट में कौन से प्रोडक्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मखाने की। मखाना, अगर हम इसकी टाइप्स ऑफ क्वालिटीज की बात करें, सबसे पहले हम आते हैं इसकी क्वालिटीज के बारे में। अब अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो इसमें साइज सबसे पहले देखा जाता है। जितना छोटा मखाना होगा उतना सस्ता होगा, जितना साइज बड़ा होता चला जाएगा उतना महंगा और अच्छी क्वालिटी होती जाएगी। इसका टेक्सचर देखा जाता है, जितना अच्छा टेक्सचर उतनी अच्छी क्वालिटी। इसका कलर देखा जाता है और इसका प्रोसेसिंग मेथड्स भी देखे जाते हैं। उसी से इसकी क्वालिटी बनाई जाती है या बनती है। तो ये चीज ध्यान में रखिए, किसी भी प्रोडक्ट को आप परचेज करने जा रहे हैं या किसी का ट्रेड करने जा रहे हैं तो हमें क्वालिटी के बारे में तो पता होना चाहिए ना। ये कैसे पता लगेगा? हमारे चैनल और हमारे वीडियो के थ्रू ही पता लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कौन कौन सी क्वालिटी आती है, कौन कौन सी क्वालिटी इसमें सबसे ज़्यादा बिकती है। सबसे पहले आता है इसमें वाइट मखाना, जिसमें नेचुरल कलर होता है। और अगर मैं नेचुरल कलर की बात करूँ, ये प्रॉपर वाइट होता है। कुछ मखाने में ना हल्का सा पीलापन होता है, इसमें किसी भी तरीके का कोई पीलापन यूज़ नहीं होता, सबसे ज़्यादा यही यूज़ किया जाता है। उसके बाद दूसरी क्वालिटी आती है गोल्डन मखाना, जो स्लाइटली गोल्डन और थोड़ा सा येलोइश टिंट होता है इसके अंदर, तो ये भी यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर इसको रोस्ट करने के लिए, जो लोग रोस्टेड मखाना खाते हैं उसके लिए ये यूज किया जाता है। उसके बाद एक आता है बिग साइज मखाना। जैसा कि मैंने आपको बताया, मखाने के अलग अलग साइजेस हैं, तो इसी तरीके से जो सबसे बड़ा साइज है उसको हम बोलते हैं बिग साइज मखाना। ज्यादातर ये सपोज करिए जो रेस्टोरेंट वगैरह है, उस जो फूड प्रिपरेशन होता है वहां पे, उसके लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद आता है स्मॉल साइज मखाना, जैसा कि नाम है ऐसे ही इसका साइज भी छोटा है। उसके बाद है क्रंची मखाना, क्रंची यानी क्रिस्प। अब क्या है, जिस मखाने में ज्यादा क्रिस्प होगा उस अकॉर्डिंगली उसका ज्यादा रेट होगा। एक चीज समझिए, अगर मैं आपको मखाना दूं या नॉर्मल बिस्किट देता हूं, बिस्किट में हल्का सा जब थोड़ी सीलन आ जाती है, क्रंची नहीं होता, या आप चिप्स खाते हैं, चिप्स में वो क्रंच आता है ना,
अगर वो नहीं होगा तो चिप्स का फायदा क्या? तो इसीलिए पहले आप इसकी क्वालिटी देखिए, जब आप मार्केट में परचेज करने जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें देखिए, और जो सेलर होगा, जो प्रोड्यूसर होगा, वो भी आपको साथ के साथ बताएगा, और अलग अलग वैरायटी भी उसके पास होनी चाहिए। अगर नहीं हुई और बायर ने वैरायटी की डिमांड कर दी, किसी ने बोला अच्छी और उसी बायर ने बोला चलो यार मीडियम दे दो मुझको, मेरा अच्छी क्वालिटी का भी बजट नहीं है, तो फिर क्या करोगे? तो जब आप सप्लायर का सिलेक्शन कर रहे हैं तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि एक सप्लायर मिला और वो एक प्रोडक्ट, एक एक पर्टिकुलर क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको दे रहा और आपने काम शुरू कर दिया, ऐसा मत कर लेना बिल्कुल भी। अब आगे बढ़ते हैं, फ्लेवर्ड मखाना आज की डेट में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है। फ्लेवर्ड मखाना उसमें क्या होता है, कोई सॉल्ट फ्लेवर डाल देते हैं, पेपर डाल देते हैं। अभी मैंने पीछे हमारे लिए मंगवाया था पुदीना फ्लेवर का, उसमें पुदीना फ्लेवर डला हुआ था। तो फ्लेवर मखाने की भी मार्केट में बहुत डिमांड है। इवन इंडिया में भी अगर आप किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओगे, किसी भी अच्छी शॉप पे जाओगे, तो वहाँ पे आपको फ्लेवर्ड मखाना ज़रूर मिलेगा आज की डेट में, और आज की डेट में हर अच्छी जगह पर मिलेगा। तो ये भी आप ध्यान में रखिए। और सबसे बड़ी बात कि यार अगर आप जा रहे हैं तो एक बार खुद भी टेस्ट कर लीजिए। खुद टेस्ट करने से प्रोडक्ट का पता लग जाता है, आप खुद भी एक तरीके के कस्टमर है ना, आप भी तो एक कस्टमर है ना, तो आपको पता लग जाएगा किस प्रोडक्ट में दम है और किस प्रोडक्ट में बिल्कुल दम नहीं है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद हम आगे स्टेप उठाते हैं। अब फ्लेवर्ड मखाने के बाद आज की डेट में ऑर्गेनिक मखाने की क्वालिटी आ रही है, जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से प्रोड्यूस किया जा रहा है, इसकी भी डिमांड अच्छी है। प्रोसेस्ड मखाने की डिमांड काफ़ी अच्छी है। इसके बाद हम प्रीमियम क्वालिटी मखाना एक आता है जिसकी सबसे ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी होती है, जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट के लिए ही प्रोड्यूस की जाती है। अब मैं जो चीज़ आपको समझाने जा रहा हूँ उसमें समझिए। सपोज कीजिए मखाने आए, मखानों को अलग अलग क्वालिटी में अलग कर दिया जाता है। जो सबसे अच्छी क्वालिटी होती है वो एक्सपोर्ट के लिए रखी जाती है, उससे कम क्वालिटी अलग अलग सिटीज़ के लिए, जो बड़ी सिटीज़ होती है जहाँ पे महंगा और अच्छा प्रोडक्ट बिकता है उसके लिए, फिर धीरे धीरे क्वालिटी को छांट दिया जाता है। तो इसमें इसी तरीके से काम होता है। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि जब भी आप जाए मार्केट में तो आपको पता हो क्वालिटी के बारे में, अदरवाइज डील कैसे करेंगे। मखाना इज़ जस्ट लाइक अ मखाना, इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग यू कांट सर्वाइव इन द बिजनेस, स्पेशली इन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। अब बात करते हैं इंस्पेक्शन की। देखिए अगर बायर आपके पास आया, वो कहता है जी मुझे इंस्पेक्शन कराना है, इंस्पेक्शन अच्छी कंट्री में दोगे तो भैया सर्टिफिकेट चाहिए चाहिए। अगर कोई आपको कहता है नहीं यार कोई इंस्पेक्शन तो चलेगा नहीं, मार्केट से उठाओ और बेच दो, तो भैया ऐसा कुछ नहीं होता इंटरनेशनल ट्रेड में। हम खुद काम करते हैं, हम खुद एक्सपोर्टर हैं, तभी हम आपको बता रहे हैं और तभी हम सिखाते भी उसी तरीके से हैं। अगर हम काम करते हैं तभी तो हम सिखा पा रहे हैं ना इतनी बारीकियां। तो समझिए इस चीज को। अब आते हैं इंस्पेक्शन के। भैया बायर मुझसे किस किस तरीके का इंस्पेक्शन मांगेगा, मुझे किस तरीके के टेस्ट रिपोर्ट्स तैयार करके देनी है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स तैयार करके देने हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बायर मांगता है रॉ मटेरियल का इंस्पेक्शन, जिसमें आता है सीड क्वालिटी इंस्पेक्शन। सीड क्वालिटी इंस्पेक्शन में वो सीड्स का साइज और कलर और मैच्योरिटी, इसका इंस्पेक्शन मांगता है। उसके बाद है हार्वेस्टिंग इंस्पेक्शन। हार्वेस्टिंग इंस्पेक्शन में वो जो आप क्वालिटी मेंटेन कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं बीच में क्वालिटी में कोई वेरिएशन आ जाए। भाई अब इस चीज़ को समझो, हार्वेस्टिंग इंस्पेक्शन क्या होता है। भैया एक जगह से प्रोड्यूस हुआ मखाना, ठीक है, अब आपने क्या किया, वहाँ पे नहीं था, आपने थोड़ा सामान मखाने का वहाँ से ले लिया, थोड़ी क्वांटिटी यहाँ से ले ली, और किसी दूसरे के पास गए, दूसरे से थोड़ी क्वांटिटी ले ली, दोनों को मिक्स करके दे दिया। नहीं, समटाइम्स बायर कहता है भैया जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है मुझे उसी जगह की इंस्पेक्शन चाहिए, उसी एक ही फार्मर का मुझे पूरा मखाना चाहिए, मेरी क्वालिटी में वेरिएशन नहीं आ सकता। अब इस चीज़ का एक और एग्जाम्पल देता हूँ। भैया जब तुम चाय पीते हो, आपने ताजमहल चाय ली, ठीक है, आपने आज ताजमहल चाय ली, 3 महीने बाद वही ताजमहल चाय लेने गए, तो क्या उसमें क्वालिटी का वेरिएशन आता है? नहीं आता। अगर हम अलग अलग लोगों से डील करके मिक्स करके ब्लेंड बनाएंगे, या तो आप बायर को क्लियर बोल दो कि मैं ब्लेंड बना के दूंगा, तब तो ठीक है। अगर आप ब्लेंड नहीं कर रहे, उसको मिक्स नहीं कर रहे, तो बायर आपसे डिमांड करेगा। ये ध्यान में रखना, यहीं पर गलतियाँ होती है। फिर लोग कहते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट समझ नहीं आता। बार बार कहता हूँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत आसान है, लेकिन बिना सीखे इसको बिल्कुल मत करना। और याद रखो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना है तो एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल तो आना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है डाइंग इंस्पेक्शन। अब डाइंग इंस्पेक्शन में क्या आता है? भाई डाइंग इंस्पेक्शन में मॉइस्चर लेवल का चेक होता है,
मॉइस्चर लेवल का इंस्पेक्शन होगा, उसके बाद है क्लीनिंग और सॉर्टिंग का इंस्पेक्शन होता है। क्लीनिंग और सॉर्टिंग का इंस्पेक्शन में जो आप क्लीन करते हो मखाने को, वो उसका प्रोसेस क्या है, उसमें कोई ज़्यादा बैक्टीरिया या किसी केमिकल का तो यूज़ नहीं किया जा रहा। ये इस इन चीज़ों से डरो मत यार, मखाना लेके जब आप लैब में जाओगे उसमें इमीडिएट पता लग जाता है और वो आपको गाइड भी कर देंगे, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। लोग इंस्पेक्शन से डर जाते हैं, भाई मार्जिन भी तो 600 रुपये के अगर मखाने आपको मिल रहे हैं तो 2000 का बेच दोगे मार्केट के अंदर, इतनी कमाई है मार्केट के अंदर अगर मैं मखाने मखाने की बात करूँ तो। अब आगे बात करते हैं इसकी क्वालिटी ग्रेडिंग की। क्वालिटी ग्रेडिंग में इसका साइज ग्रेडिंग, कलर ग्रेडिंग, ये दोनों आ गए। रोस्टिंग इंस्पेक्शन आ गया, फ्लेवरिंग और कोटिंग का इंस्पेक्शन भी इसका बायर आपसे मांग सकता है। फिर उसके बाद आता है पैकेजिंग इंस्पेक्शन, क्योंकि बायर को हाइजीन चाहिए मखानों के अंदर, तो उस अकॉर्डिंगली पैकेजिंग और सेफ्टी का इंस्पेक्शन इसमें मांगा जाता है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगर बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन आपको पूरा बायर को क्लियर करना पड़ेगा, भैया इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहिए इसके अंदर। उसके बाद आता है माइक्रोबायोलॉजिकल और केमिकल टेस्टिंग। अब ये क्या है माइक्रोबायोलॉजिकल और केमिकल टेस्टिंग? भाई क्या मखाने का प्रोडक्शन करते वक्त किसी तरीके के केमिकल्स का यूज तो नहीं हुआ? मोस्टली आपने काफ़ी सोशल मीडिया पे रील्स भी देखी होंगी, कोई सब्जी है या फ्रूट वेजिटेबल है उसमें इंजेक्शन लग रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। तो अगर आप ऑर्गेनिक कह के बेच रहे हैं तो वो ऑर्गेनिक ही होना चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर बायर कहता है मुझे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी अपना दिखाओ, तो जब ऑर्गेनिक आपने इंस्पेक्शन करा ही लिया तो सर्टिफिकेशन भी दिखा देना, ऐसा कोई चैलेंज तो नहीं है ना। इसके बाद भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछते चले जाओ, घबराओ मत, सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेशन सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होते हैं अगर मुझे मखानों में डील करना है। देखिए सबसे पहले तो देखो आपकी एक फॉर्म होनी चाहिए, आपने एक फॉर्म बनाई, GST नंबर लिया, करंट अकाउंट बनाया, IEC कोड ले लिया, उसके बाद AD कोड ले लिया, AD कोड का रजिस्ट्रेशन करा लिया, फिर आपके क्या चाहिए, एक फसाई सेंट्रल का लाइसेंस चाहिए। अगर फसाई सेंट्रल नहीं होगा तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस नहीं कर पाओगे, तो सबसे पहले तो मेजर लाइसेंस आ गया फसाई सेंट्रल। ऑर्गेनिक अगर आप बोल रहे हो बायर को तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी आपके पास होना चाहिए। तो ISO अगर बायर मांगता है ISO सर्टिफिकेशन चाहिए तो वो भी होना चाहिए। एक सर्टिफिकेट है हैकअप, हैकअप फुल फॉर्म इसकी होती है हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, तो ये भी मांगा जाता है। ये ज़्यादातर US और यूरोप में जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो ये मांगा जाएगा, तो इसीलिए पहले से ही आप रेडी रहो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं GMP सर्टिफिकेशन की। GMP सर्टिफिकेशन फुल फॉर्म है गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ये मांगा जाएगा। हलाल सर्टिफिकेशन अगर आप सपोज करो गल्फ कंट्रीज में एक्सपोर्ट करो तो हलाल सर्टिफिकेशन मांगा जाएगा। कोशर सर्टिफिकेशन जितने भी ज्यूइश कंज्यूमर हैं, अगर आप ऐसी कंट्री को टारगेट करते हो जहाँ पे ज्यूइश कंज्यूमर है तो वहाँ पे कोशर सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सपोज करो नॉन GMO सर्टिफिकेशन की। अब नॉन GMO सर्टिफिकेशन जो होता है ये डिफाइन करता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर किसी भी तरीके का जेनेटिकली मॉडिफाइड या ऑर्गेनिज्म यानी कुछ भी ऐसा चेंज नहीं किया गया, तो ये भी आजकल मांगा जाएगा। सोयाबीन जब एक्सपोर्ट करोगे ना तब भी ये मांगा जा रहा है आज के लिए। ये मेजर सर्टिफिकेशन है जो आपसे मांगे जाएंगे। अब सवाल ये उठता है अगर मुझे मखाने में डील करनी है तो मखाने में मैं कौन से देशों को टारगेट करूँ, जहाँ पे अगर मैंने आपको बोला भैया 500-600 का भी मिलता तो 2000 तक का बिक जाएगा, तो ऐसे कौन से देश बिकेगा लेकिन सर्टिफिकेशन और इंस्पेक्शन के बाद बिकेगा, ये ध्यान रखना। ऐसे नहीं मार्केट से माल उठाओ और भेज दो। पहली चीज़ ये जो भी चीज़ है हम ट्रांसपेरेंसी से आपको सिखाते हैं, इसीलिए पूरे हिंदुस्तान का हमारा नंबर वन इंस्टीट्यूट है। अगर जिन लोगों को ज्वाइन करना है वो सामने स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग जो भी आपको लेनी है आप यूट्यूब पे चले जाइए, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे पास ही है। जेन्युइन जगह से ज्वाइन करिए क्योंकि आपको सीखना है, आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, इसीलिए जब काम करें तो सोच समझ के करें, ट्रांसपेरेंसी के साथ करें। अब आगे बढ़ते हैं, कौन से देश हैं
जहां पे अगर आप ये एक्सपोर्ट करेंगे तो फायदा मिलेगा। सबसे पहले यूएसए को एक्सपोर्ट करो, यूएसए में आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। यूके में एक्सपोर्ट करो, यूके में सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। कनाडा में एक्सपोर्ट करो, कनाडा में फायदा मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में आप कर सकते हो। मिडिल ईस्ट कंट्रीज, चाहे वो कतर है, सऊदी अरेबिया है, यूएई, सब जगह टारगेट कर लो। सिंगापुर में टारगेट कर लो, उसमें मार्जिन्स मिलेंगे। अगर आप एशियन कंट्रीज में साउथ कोरिया, जापान, मलेशिया को टारगेट करना चाहते हो, यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा मार्जिन मिलेगा और डिमांड मिलेगी। यार एक चीज बताओ ना, जब प्रोडक्ट की मोनोपोली हमारे पास है, प्रोडक्ट ही हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो भाई माल भी तो हमारा ही बिकेगा। इसीलिए ऐसे प्रोडक्ट का सिलेक्शन करो। और एक चीज और बता दूं, हम अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में प्रोडक्ट सिलेक्शन की स्पेशल क्लासेस होती हैं। यही चीजें हम प्रोडक्ट सिलेक्शन में हम सिखाते हैं कि किस प्रोडक्ट में ज्यादा मार्जिन होगा। कॉम्पिटिशन वाले प्रोडक्ट मत उठाओ, कोई फायदा नहीं है, ये चीज ध्यान में रखना। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको कौन कौन सी मेंबरशिप चाहिए? अगर मैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की बात करूं तो आपीडा की मेंबरशिप आपको चाहिए। आपीडा की फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके बाद आप फीओ की भी आप मेंबरशिप ले सकते हो, ये आपको हेल्प करेंगी। अगर मैं शिपमेंट की बात करूं, देखिए अब मैं शिपमेंट की बात करूं, ये एक ऑनलाइन डेटा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो अगर मैं शिपमेंट की बात करूं, वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें, लगभग 3,115 बायर्स ओवरऑल इसके पिछले साल में रहे हैं। और अगर मैं बात करूं लगभग इसकी जो शिपमेंट्स हैं, 25,900 शिपमेंट्स हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट की गई हैं। सबसे ज़्यादा कंट्री जो है मखाने को इंपोर्ट कराने वाली वो यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया रहे हैं। तो लगभग आप मान के चले 25,000 से ज़्यादा शिपमेंट एक्सपोर्ट की गई हैं। अगर मैं एचएसएन कोड की बात करूं तो एचएसएन कोड भी आप नोट कर सकते हैं, 1904-1090-2106-9099-0813-4090, ये इसका एचएस कोड हो गया। तो ये है पूरा मखाने का स्ट्रक्चर। मखाना एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन फूड प्रोडक्ट है, तो पहली चीज़ आप ध्यान में रखिए, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगी। 3 से 5 लाख है तो आप इसमें एंटर करिए। 25,000 में, अगर आप सोचे 25-50 हज़ार में स्टार्ट होगा तो नहीं होगा, क्योंकि सर्टिफिकेशन की कॉस्ट ही इतनी पड़ जाएगी, बल्कि सर्टिफिकेशन की कॉस्ट इससे ज़्यादा आएगी। तो जो लोग इसमें काम करना चाहते हैं तो वो ध्यान से करें, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इतनी चाहिए। हाँ, ई कॉमर्स के थ्रू अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके सर्टिफिकेशन फिर भी कम हो सकते हैं, जिसमें कई बार क्या होता है, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट ही मांगते हैं, मेजर फसाई सेंट्रल वगैरह यही सब चीज़ें मांग लेते हैं, यूएसएफडीए मांग लेते हैं। इन सर्टिफिकेशन के साथ ही अच्छे देशों में एक्सपोर्ट होगा। अगर आप सस्ते जगह जाना चाहते हैं, सोचते हैं सस्ते तरीके से या कम इन्वेस्टमेंट में शुरू हो जाए, देखो फूड प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने का मतलब है थोड़ी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा। हाँ, आगे आने वाले वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा 25-50 हज़ार वाले कौन से प्रोडक्ट है जिसमें आप एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहले एक चीज़ को समझिए, हमें कोई फ़ायदा नहीं है कि आपका नुकसान हो, हम बस यहाँ पे आपका फ़ायदा कराना चाहते हैं। आप अपना फ़ायदा करिए, सोच समझ के बिजनेस में स्टेप करिए। फ़ायदा बहुत है, लेकिन जो एक मिनिमम जो पैसा चाहिए वो एक ट्रेड में चाहिए होता है, इस चीज़ को मान के चलिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना और वीडियो को शेयर कर लेना। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो यार बिना सब्सक्राइब करके क्यों जा रहे हो, सब्सक्राइब करके जाओ, आगे भी अच्छा वीडियो मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। We'll be right back.